नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूपी के जनपद शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। होश जब देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तब देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाते हैं। जिस देश में कानून व्यवस्था लचर होगी, उस देश में क्यों नहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि अपराधियों को मालूम होता है कि हम कितनी भी शर्मसार घटनाओं को अंजाम देंगे, फिर भी हमें जेल की सलाखों से काले कोट वाले अपराध मुक्त करके छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अपराधियों में कोई खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। खबर विस्तार से आपको बताते चले, थानाकाट क्षेत्र के ग्राम बरुआ बुजुर्ग में 12 वर्षीय लड़की का शव पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक लड़की अपनी दादी के साथ खेत पर घास काटने गई थी। घास को लेकर एक बार वह लड़की अपने घर पर घास डालने आई, जब दूसरी बार घास को लेने गई तब बीच में अपराधियों ने घटना को अंजाम दे डाला। मृत लड़की के कपड़े आपत्तिजनक और गले में चोट के निशान पाए गए। फिलहाल बरामद डेड बॉडी का पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करा दिया गया है और पुलिस के द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। आगे की कार्यवाही पुलिस द्वारा जांच के अनुसार की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक यश आनंद। सुनाते हैं घटना की कहानी, कैसे दिया अपराधियों ने घटना को अंजाम। शाहजहांपुर से मुकेश सक्सेना के साथ आर एस शर्मा की रिपोर्ट। थाना काट अंतर्गत ग्राम बरुआ बुजुर्ग में आज सायंकाल ये सूचना प्राप्त हुई कि उस गांव के एक गन्ने के खेत में, जिसकी बटाई मेवाराम द्वारा लिया गया था, वहां पुष्पा और रजनी, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, उसकी बॉडी मिली। जानकारी प्राप्त हुई कि वो दोपहर को करीब 12-12:30 बजे के आसपास अपनी दादी के साथ अपने घर से करीब 300 मीटर दूर उसी गांव में बाहर खेतों की तरफ घास काट रही थी। और एक बार घास अपने घर पर रखने के बाद दोबारा जब दादी इसे लेने आना था तो नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद दादी उसकी गांव पे गई, उसकी खोजबीन शुरू हुई और जब गांव वालों की मदद से बाहर खेतों में खोजबीन शुरू की गई तो उसकी बॉडी मिली। उसके गले में निशान है, ऐसा लगता है कि गर्दन दबाया गया हो, और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे, कपड़े लेकिन उसके इंटैक्ट थे। मौके पर फॉरेंसिक की टीम ने अपनी कार्रवाई की है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो वादी हैं मृतका के पिता, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है और इसके लिए, इसकी घटना के अनावरण के लिए कांट की टीम और एसओजी की टीम लगाई गई है और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।